अजय देवगन बॉलीवुड फिल्मों का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने करियर की कई शानदार फिल्में दी हैं जिन्होंने दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया है। यही वजह है कि दर्शक अजय देवगन की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को अजय देवगन की आने वाली एक शानदार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर वे काफी चर्चा में है। तो आइए जानते हैं अजय देवगन की इस मूवी के बारे में। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की आने वाली मूवी सिंघम 3 के बारे में, जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सिंघम 3 अजय देवगन की साल 2011 में रिलीज हुई मूवी सिंघम का तीसरा भाग है। सिंघम की शानदार सफलता के बाद सिंघम 2 का निर्माण किया गया था। अब यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म की शानदार सफलता के बाद अब निर्देशक रोहित शेट्टी अजय देवगन को लेकर सिंघम 3 का निर्माण करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंघम में काजल अग्रवाल थी और सिंघम 2 में करीना कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन खबरों के अनुसार ऐसा पता चला है कि अब निर्देशक रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। तो ये जानते हैं इस अभिनेत्री के बारे में जो अजय देवगन के साथ सिंघम 3 में दिखाई देने वाली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस अभिनेत्री का नाम हुमा कुरैशी है। जी हाँ, हुमा कुरैशी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और हॉट अभिनेत्रियों में शामिल है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हालांकि इस फिल्म के लिए अभी तक किसी अभिनेत्री को कास्ट नहीं किया गया, लेकिन खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी इस मूवी के लिए हुमा कुरैशी को लेना चाहते हैं। इसलिए रोहित शेट्टी ने हुमा कुरैशी से बात की है, लेकिन अब देखना होगा कि हुमा कुरैशी इस बारे में क्या कहती हैं। यदि आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किसकी जोड़ी सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।